राधे राधे संगवारियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हो आप सब? बने बने ना। आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मुर्सी जी तड़का वन चैनल में। तो आज मैं लाए हूँ पराठा की रेसिपी। पराठा मैं तीन तरह के बताता हूँ, पनीर के पराठा, प्याज के पराठा और आलू पराठा। तो अगर घर में कोई नहीं है बड़े और आप लोग कुछ अच्छा खाए के मन लगा थे और सब्जी उब्जी बनाए की इच्छा नहीं है तो आप ये पराठा बना सका थो। तो चलो एक रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे आटा, ओखर वादी में तेल डाल दें हैं, तो ये 2 चम्मच तेल है। गाय तेल डाले से पराठा अच्छा सॉफ्ट बनते हैं। और ओखर वादी में डालेंगे हम नमक, फिर एक बार अच्छा से मिला देते हैं। ओखर बाद गूंथ लेंगे। गूथे के बाद इला 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आलू के पराठा। तो बहुत जन आलू ला भून के बनाते हैं, लेकिन हम नहीं भूना था। आलू उबाल ले हैं, प्याज बारीक काट ले हैं, धनिया काट लें, ओमा लाल मिर्ची पाउडर, नमक सब मिला दें और अच्छा से मसल लेंगे और उखर आलू के पेस्ट बना लेंगे। आप चाहो तो ला किसने में भी किस सकत हो। फिर ये आलू बन गए, उखर बाद इला साइड में रख देंगे। अब आटा से लोई काटेंगे और उखर बाद इला अच्छा से गोल बेल लेंगे। तो पहले अला पूड़ी के आकार के बेलेंगे ताकि हम आलू के मसाला बढ़ सकें। और उखर बाद ये जिसे हम मोमोज बनाते हैं वैसे टाइप से, यानी कचौड़ी बनाया टाइप से, वो हम बीच में मसाला भर के ये बना लें। उखर बाद अब ये बेल लेंगे। बेलने के बाद तवा भी गर्म हो चुके हैं, अब अला सेक लेंगे। तो थोड़ा घुमा घुमा के अच्छे से पलट पलट के तेल लगा के सेक लेंगे। आप चाहो तो इसमें बटर भी लगा सकते हो, बटर लगाने से और स्वाद बढ़ जाते हैं, या तो आप घी भी लगा सकते हो। और बहुत जन अगर आपके पास हरा चटनी बने हुए हैं तो आप थोड़ा सा उसमें हरा चटनी भी डाल सकते हो, नहीं तो अचार के मसाला भी बना सकते हो, यानी मिला सकते हो। तो बन गए ये हमारे आलू के पराठा। अब बनाएंगे हम पनीर के पराठा। पनीर और चीज़ के पराठा दोनों एक सा बनते, तो मैं पनीर के पराठा बताता हूँ। तो पनीर ला हम सबसे पहले किस ले हैं, या आप चीज़ ले तो चीज़ ला भी किस लेना। उखर बाद में डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, यानी लाल कुटे हुए मिर्ची। उखर बाद हम इमा डालेंगे हल्का से मसाला, जीरा पाउडर डाले हों, फिर ये चाट मसाला और काला नमक, थोड़ा से धनिया डाल दें हो और थोड़ा प्याज। अब सब अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं थोड़ा थोड़ा ये बनाता हूँ, मेरे छोटको से भतीजा है, वो अलग अलग डिमांड कर रहे थे तो मैं थोड़ा थोड़ा ये बनाता हूँ। अब फिर से हम रोटी बेल लें। अब इला हम चौकोन पराठा बनाएंगे। तो सबसे पहले बीच में जो मसाला बना के रखें पनीर के या चीज़ के, वो डाल देंगे। सारा मसाला अच्छे से समेट के बीच में कर देंगे। उखर बाद इला मोड़ना है, तो पहले एक तरफ मोड़ेंगे। उखर बाद दूसरा तरफ मोड़ेंगे, फिर उखर बाद तीसरा, फिर ये चौथा। ऐसे ही हमारे ये चौकोन पराठा बन जाए। अब इला हल्का हाथ से बेल लेना है ताकि मसाला सब तरफ लग जाए और कहीं से भी खाली ना रहे, कच्चा ना लगे। अब ये हमारा पनीर पराठा चौकोन बढ़िया बिला चुके हैं। फिर से इला तवा में डालेंगे और हर बार सेक लेंगे। इला भी पहले ऐसे ही घुमा के सेकना है। उखर बाद में तेल या बटर आप अपन पसंद के हिसाब से लगा सकते हो। आप चाहो तो पराठा सेकने वाले से भी उल दबा के सेक सकते हो, नहीं तो चम्मच से पलट पलट के सेकना है। पनीर पराठा, चीज पराठा भी बहुत टेस्टी लगते हैं।
ओकर बाद हम बनाएंगे प्याज के पराठा। तो प्याज ले मैं लंबा लंबा काट ले हूँ, मैं धनिया पत्ते डाले हूँ, लाल मिर्ची डाले हूँ, नमक और थोड़ा से मसाला मिलाएंगे, गरम मसाला। अगर आप ला नहीं पसंद तो आप मत मिलाना। और हल्का से मैं चाट मसाला भी डालेंगे। ओकर बाद अब ये मसाला ला हम मैं अलग तरीके से बनाऊँ। तो सबसे पहले हम सारा मसाला ला आधा में ही डालेंगे, रोटी गोल रोटी बेले के बाद आधा में मसाला डालना है। आप ध्यान रखो प्याज पतला काटना है ताकि बेलते वक्त पराठा फटे ना। अब ये मसाला डाल चुके हैं, ला इसे मोड़ देंगे और उसके बाद हल्का हल्का चम्मच से यहाँ से दबा देना है ताकि वो पैक हो जाए, खुले ना। हल्के से ऊपर लगी प्रेस करेंगे, मसाला सब तरफ मिक्स हो जाए। फिर यहाँ पे फिर से प्याज वाला मसाला डालेंगे। पतीला भी फोल्ड कर देंगे, जिसे त्रिकोण पराठा बनाते हैं वैसे ही। फिर से हल्का से दबा देंगे सब तरफ ताकि प्याज निकले ना। और ये हम बेल ले हैं पराठा, हमारे त्रिकोण भी ला चुके हैं। हाँ, आप लोग भारत के नक्शा दिक्कत हुई भारत की नहीं और कोई देश की दिक्कत हुई तो अलग बात है। और घर बाद फिर से तवा में डालें और इले भी अच्छे से सेक लेना है। तो जैसे आप अचार मसाला नहीं डालना है तो आप अचार के जो तेल रहते वो भी लगा के सेक सकते हो। तो हमें तो पहले वैसे ही बचपन में वैसे ही लगा के खान अचार के उमा फ्लेवर भी आ जाते और अलग से कुछ चखना मखना नहीं लगा यानी चटनी वटनी। और एक पराठा हम और बनाते रहे बचपन में शक्कर डाल के, तो इसे कौन कौन बना के खाए मुझे ज़रूर बताना। और आज के ये रेसिपी आप सब लोग कैसे लगे आप सब जरूर बताओ। मोर चैनल में जो नया है मोर चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपन दया मया बनाए रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब लोग फिर से एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय छत्तीसगढ़।